प्रधानमंत्री ने देश में बुला के झूला झूला तो हमें गलवान मिला, अब विदेश में जाके जब गले मिले तो हमें तवांग मिला। आपने बड़े बड़े वादे किए थे 56 इंच के सीने से लाल लाल दिखाने के। यही कांग्रेस पार्टी है, जब गलवान में 20 हमारे जवान शहीद हुए थे तो जो अस्पताल मेकशिफ्ट अस्पताल उस समय बनाया गया था उसको इन्होंने नाटक कहा था कि ये सेना के जवान नहीं है, माँ बेटे चाइनीज एजेंट है। और उसका सबूत दिखाता हूँ, क्लोजअप करके कैमरा पर्सन ये दिखाइए, 6 में 1 करोड़ 35 लाख लेना, ये डोकलाम के नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा के बीच में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब तो चीन को दिया जा रहा है, फिर इतना हंगामा क्यों संसद के भीतर? राधिका जी, देश को चलाने वाली पार्टी, इनके विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री जी, ये तो इनके लोग नेता इतना तक कहते हैं कि मोदी जी यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा देते हैं, उनके प्रवक्ता आज आपके चैनल में आके इस पूरी चीज का मजाक उड़ा रहे, बिग बॉस जैसी अभद्र शो के साथ कंपेयर करके, शर्म आनी चाहिए इनके प्रवक्ता को। लेकिन इनसे और उम्मीद ही क्या करी जा सकती, ये कहां समझेंगे हमारे सैनिकों का शौर्य, हमारे सेना और उनका परिवार किस दौर से गुजरता है और क्या उनकी कठिनाइयां होती है और वो कैसे हमारी रक्षा करते हैं, जिनको यही नहीं पता इस देश में कितने राज्य हैं एंड भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, कुछ भी नहीं पता की बात करी उनसे और क्या उम्मीद करेगी। अभी अभी हम चीन पर रहे, बात है बहुत अफसोस की बात है कि जब प्रधानमंत्री ने देश में बुला के झूला झूला तो हमें गलवान मिला, अब विदेश में जाके जब गले मिले तो हमें तवांग मिला। वादा तो लाल आंख दिखाने का था कि लाल कपड़े पहन के भागे भागे जाके चीन के लोगों के साथ हाथ मिला के गले मिलके फोटो रिलीज करा, देखा था वो पूरा, आप लोगों ने भी लाइव दिखाया था किस तरीके से वो जो फोटोग्राफर भी था इनका, मोदी जी का, एंगल ले लेके फोटो खींच रहा था। लाल आंख दिखाने का वादा था कि ये वादा था कि बार बार आके आज ये ऐप बैन हो गया, आज वो ऐप बैन हो गया, क्या ये कूटनीति है? और आपको याद है ना प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, शायद पात्रा साहब भूल गए, ना कोई हमारी सीमा में आया है ना कोई कब्जा हुआ है, तो किस बात पे विश्वास करें? ठीक है, क्यों नहीं। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ चित्रा जी, जो आपने इनसे सवाल पूछा, क्योंकि देश से ये बात छुपाई गई, क्योंकि अधिकतर मीडिया चैनल पूछने ही नहीं दे रहे, कोई सेना के शौर्य पे सवाल नहीं उठा रहा, कोई सेना पे कुछ सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन सवाल इस देश की सरकार से पूछे जाएंगे। जब आपने बड़े बड़े वादे किए थे 56 इंच के सीने से लाल लाल दिखाने के, आपने तब देश को ये नहीं बताया था कि आप उनको, समित जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। समित जी जल्दी से, वो कह रहे हैं लाल आंख दिखाने की बात थी तो बार बार चीन की हिमाकत कैसे बढ़ती है कि वो हिंदुस्तान के भीतर हमारी सरहद के अंदर घुसपैठ की कोशिशें करता है? चित्रा जी, बड़े ध्यान से और बड़े ही पेशेंस के साथ मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, कुछ पेशेंस के साथ मुझे सुन लीजिए। पहले तो मुझे अच्छा लगा कि पहली बार कांग्रेस के प्रवक्ता आज सेना को सलाम भी कर रहे हैं, मगर यही कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, यही कांग्रेस पार्टी है, जब गलवान में 20 हमारे जवान शहीद हुए थे तो जो अस्पताल मेकशिफ्ट अस्पताल उस समय बनाया गया था उसको इन्होंने नाटक कहा था कि ये सेना के जवान नहीं है, ये फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन करते हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने वहां लेटाया है क्योंकि ये तो हॉस्पिटल ही नहीं है। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिनके दिग्गज नेता ने कहा था ये जो सड़क के गुंडे जैसा व्यवहार करने वाला के अध्यक्ष, यही वो कांग्रेस पार्टी है बिपिन रावत जी के डिमाइस के बाद, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के बाद इन्होंने उनका मजाक बनाया था, यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी उस समय अध्यक्षा और राहुल गांधी किस तरह से जाके शी जिनपिंग के साथ उनके देश में पैक्ट साइन करके एमओयू साइन करके अपने जमीर को गिरवी रख के आए थे। मां बेटे, मैं बिल्कुल आज कह सकता हूं मां बेटे चाइनीज एजेंट हैं, और उसका सबूत दिखाता हूं, क्लोजअप करके कैमरा पर्सन ये दिखाइए, अमित जी ने आज इस विषय में बताया। आप सोचिए जब इंडिया की सेना लड़ रही है, डोकलाम में स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये चोरी चोरी चुपके चुपके, आप देखिए ये गांधी परिवार, केवल एक नहीं, ये राहुल गांधी है, ये वाड्रा जी का बेटा है, ये प्रियंका वाड्रा है, ये रॉबर्ट वाड्रा है, और ये सब चाइनीज डिप्लोमेट्स के साथ उस समय चाइनीज टेंट के नीचे जिस प्रकार हिंदुस्तान को बेचने के लिए पैसे ले रहे थे राहुल गांधी, जिस प्रकार गांधी परिवार ने पैसे करोड़ों में पैसे लिए
हिंदुस्तान की सीक्रेसी को बेचने के लिए ये माँ बेटे आके यहाँ पर आज हमें सवाल पूछ रहे हैं। और दूसरी विषय में यहाँ पूछना चाहता हूँ, 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक्स चल रहा था, क्या कारण था बीजिंग ने, चाइना ने ना तो प्रेसिडेंट को बुलाया ना प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, केवल गांधी परिवार और सोनिया जी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। क्या लेन देन है भैया? ठीक है, ये बात तो सच है ना कि मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने, उसके घर में घुसकर उसी के हिसाब से अब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से दिया गया है, जैसा कि बीजेपी के नेता की ओर से कहा जा रहा है, कई नेताओं की ओर से इस तरह की बयान आए हैं, और जो आरोप समित पात्रा जी ने भी लगाए हैं उस पर भी आपकी टिप्पणी। चित्रा जी, सेना के शौर्य पे तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा, हम तो कह रहे हैं कि हमारी देश की सेना है। मैंने तो शुरुआत में ही आपको कहा, जिसकी वजह से आप और हम यहाँ पे बैठ करें। संबित जी, आपने जो एक फोटो दिखाई थी, कौन से साल की थी जरा बताइएगा, आप ही के मुंह से सुनना चाहूंगी, कौन से साल की फोटो दिखाई थी अभी आपने, बताइए संबित जी। देखिए राधिका जी, आप साल तो बता दीजिए, देखिए क्या, आप पहले बताइए जो माँ बेटे चाइनीज एजेंट है, 2005-2006 में 1,35,00,000 लेना, ये डोकलाम के स्टैंड ऑफ के समय, जिस समय कांग्रेस पार्टी खुद मना कर रही थी, मगर बाद में खुद कांग्रेस पार्टी ने डोकलाम इस फोटो को एक्सेप्ट किया, और मैं आज हिंदुस्तान में सभी यूजर को कहूंगा कि सभी ट्विटर में और फेसबुक में ये फोटो चाइनीज एजेंट राहुल गांधी का लगाए। मैं कह रहा हूँ चाइनीज एजेंट राहुल गांधी इस हैशटैग के साथ ये फोटो सभी लगाए। मैं तो शांति से बैठा था, अपने सवाल जवाब पूछ, मैं जवाब दे रहा हूँ आपके प्रश्न का। ये फोटो चाइनीज एजेंट राहुल गांधी का डोकलाम स्टैंड ऑफ के समय का है, और मैं ट्विटर और फेसबुक में सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग चाइनीज एजेंट राहुल गांधी का ये जो फोटो है स्टैंड ऑफ के समय का, ये थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखिए और एक एक करके आप जवाब ले लेते हैं। ठीक है समित पात्र जी, ठीक है राधिका जी, प्लीज थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखिए, एजेंट और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना ही हो इस प्लेटफॉर्म पर, तब ज्यादा अच्छा है। प्लीज थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखकर, बहुत गंभीर मुद्दा है चीन का, बहुत गंभीर मुद्दा है, राधिका जी आप जवाब दीजिए जल्दी से, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। कांग्रेस पार्टी सुनने वाली की कुछ भी अनशन जवाब बोलेंगे। ठीक है, बोलिए जल्दी से, बात आप बता दीजिए कौन से साल की है, बताइए। बिल्कुल मत सुनिए, आदमी के चीफ को सड़क का गुंडा कह सकते हैं वो हम सुन लेंगे, और राहुल गांधी को चाइनीज एजेंट नहीं, दोनों लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज दोनों ही लोगों के लिए शब्दों की मर्यादा बनाकर रखें। इतना गंभीर मुद्दा है, वो बीजेपी या कांग्रेस का बॉर्डर नहीं है, वो हिंदुस्तान का बॉर्डर है, और उसको लेकर मुझे लगता है कि जितना गंभीर मुद्दा है उतनी गंभीरता आप दोनों से मैं उम्मीद करती हूँ उस डिबेट में। ठीक है राधिका जी, अपनी बात जल्दी से खत्म करें, बाकी मेहमान में इंतजार करते हैं। चाइनीज एनवॉय के साथ अगर डिनर करेंगे तो उस पर सवाल पूछेंगे तो ये बदतमीजी कैसे है? राहुल गांधी भगवान है क्या? जो हम तय कर लीजिए चित्रा जी, ठीक है एक एक करके प्लीज राधिका जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। ठीक है, अब ये जो बार बार फोटो दिखा रहे हैं, एक बात मुझे बताइए चित्रा जी, अगर कोई सीक्रेट मीटिंग होती है तो क्या कोई फोटो खिंचाता है क्या? ये बताइएगा, अगर आप गुपचुप जाके किसी से मिलके आएंगे तो फोटो खिंचवाएंगे क्या खुलेआम, ताकि कहीं पे भी शेयर हो? वो फोटो बकायदा पोज करके खींची गई है, कोई छुप छुपा के इनकी तरह नहीं। वैसे तो मोदी जी कहेंगे करा दीजिए। चित्रा जी, मैं आदमी के बीच में नहीं बोली, आपने ही सवाल पूछा था राधिका जी, उनसे सवाल पूछेंगे तो फिर वो जवाब देने लगेंगे ना, आपने ही बीच में सवाल पूछा था, मैं तो सीधे आपके पास ही आई थी। ठीक है सर, ठीक है मैम, ठीक है, कब की है ओके, ये तक नहीं बता सके, प्रूफ लेकर आने थे, ये तक नहीं पता कब की है, तो ये क्या जानते हैं इनकी? अरे ये फोटो तब की है जब राहुल गांधी देश से गद्दारी कर रहे थे दीदी। ठीक है प्लीज समित पात्रा जी, एक बार राधिका जी की बात पूरी हो जाए, राधिका जी की बात पूरी हो जाए, समित जी प्लीज, ठीक है बोलिए बोलिए राधिका जी प्लीज, बिना किसी व्यक्तिगत टिप्पणी के मुद्दे पर रहे, गंभीर मुद्दे पर नेताओं से गंभीरता की उम्मीद है, प्लीज तुम्हारी क्या जबान, राधिका खेड़ा जी की आवाज डाउन की जाए। दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।